तो गाइज अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप यूज करते हो डेली लाइफ में, अगर आप यहाँ पे किसी भी फोटोज को शेयर आउट करते हो, तब आप यहाँ पे नॉर्मली देख पा रहे होंगे किसी को भी जब शेयर करते हो व्हाट्सएप के थ्रू फोटोज, तो उसका जो क्वालिटी होता है बहुत ही डाउन हो जाता है। ऐसे वक्त में आपको क्या सेटिंग्स ऐसे ऑन करनी है जैसे कि नॉर्मली जो आप क्लिक करते हो जो कैमरा का क्वालिटी होता है उसी क्वालिटी में बिल्कुल एज इट इज वही क्वालिटी उनको शेयर आउट हो सके। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो क्वालिटीज फोटोज का जो भी आप शेयर करना चाहते हो। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, तो गाइस प्लीज इस वीडियो का आप एंड तक बने रहें ताकि आपको लेटेस्ट ये ट्रिक पता चल सके। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट बना रखे हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बट ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, पूरी डिटेल दे रहा हूं, तो गाइस प्लीज एंड तक बने रहे। तो गाइस ये सभी प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए आपको साइड में स्क्रीन शो करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे कंप्लीटली स्टेप मैं आपको बता पाऊं, कंप्लीटली आप जान पाए ये ट्रिक अप्लाई कर ले। तो गाइज जब आप यहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है इंटरफेस। सबसे पहले जो भी मेंबर्स आपके अकाउंट में या फिर आपके व्हाट्सएप में कनेक्टेड होंगे यहाँ पे आपको लिस्टेड कर देगा उनका नाम। जैसे आप किसी को भी शेयर आउट करना चाहते हो फोटोज, नॉर्मली यहाँ पे मैं अनिकेत पे टैप कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आपको अगर शेयर आउट करना तो आपको कैमरा पे टैप कर देना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको चूज आउट कर लेना है। नॉर्मली मैं एक क्वालिटी चूज आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली शेयर आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मली एक स्क्रीन शॉट है, बट अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकली एक फोटो क्लिक करा हुआ कैमरे से फोटोज शेयर आउट करते हो तो उस समय क्वालिटी उनके पास एक क्वालिटी जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है उतना भी उनके पास रिसीव नहीं हुआ हो, उसका जो क्वालिटी होता है बिल्कुल ही डाउन हो जाता है जैसे कि आप सभी को पता है। उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या पड़ेगा, कौन सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे टैप कर देना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस नॉर्मली आप सेटिंग पे टैप कर देना है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ऑप्शंस लिस्टेड कर दिया गया है जैसे कि अकाउंट हो गया, चैट्स हो गया, नोटिफिकेशंस, स्टोरेज एंड डाटा और हेल्प। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा पे टैप कर देना है। इससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं अगर आपको यहाँ पे जानने 5 बेस्ट ट्रिक हिडन ट्रिक उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको पांचों के पांचों बेहतरीन ट्रिक लगने वाले हैं 110%, वो पांचों के पांचों आपको ट्रिक अभी तक नहीं पता होगा। अगर आप वो वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपको डेली लाइफ में बहुत सारे मदद मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपको हमेशा व्हाट्सएप एप्लीकेशन अपडेटेड रखना है ताकि आपका सभी सेटिंग्स इनेबल हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेज स्टोरेज, नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क स्टोरेज, इसी तरीके से यूजलेस डाटा फॉर कॉल्स, मीडिया ऑटो डाउनलोड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखो मीडिया अपलोड क्वालिटी, चूज द क्वालिटी ऑफ मीडिया फाइल्स टू बी सेंट। तो गाइस जो भी यूजर्स किसी को भी शेयर आउट करता है मीडिया, चाहे वो फोटोज हो चाहे वो वीडियोज हो, किसी भी तरीका शेयर आउट करता है मीडिया मतलब कोई भी ऐसा पिक्चर्स या फिर वीडियो, तो गाइस वही इंसान अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है कि उनको कैसा क्वालिटी भेजना है, बेस्ट क्वालिटी या फिर एवरेज क्वालिटी या फिर बैड क्वालिटी, वो इजीली चूज आउट कर सकते हैं। तो गाइस नॉर्मली यहाँ पे आपको फोटो अपलोड क्वालिटी पे टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो अपलोड क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी फोटोज आर लॉन्गर एंड कैन टेक लॉन्गर टू सेंड। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है जो बेस्ट क्वालिटी होता है उसका जो स्टोरेज रहता है वो ज्यादा खर्च करता है, मतलब जो एक नॉर्मल पिक होता है 5 MB का होता है। आप बेस्ट क्वालिटी का HD क्वालिटी का फोटोज प्रिंट आउट करवाते हो या फिर स्टोरेज रखते हो अपने फोन में, उसका जो क्वालिटी होता है उस क्वालिटी के हिसाब से स्टोरेज भी इंक्रीज हो जाता है, बस वही लिखा हुआ है। तो गाइस सिंपली आपको डाटा सेवर या फिर बेस्ट क्वालिटी आप अपने हिसाब से चूज आउट कर पाएंगे। तो गाइस नॉर्मली यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी पे टैप कर देना है, उसके बाद ओके पे टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा चूज हो चुका है सक्सेसफुल, यहाँ पे सेटिंग ऑन हो चुका है। अब आप जिसको भी शेयर आउट करोगे किसी भी तरीके का मीडिया, चाहे वो वीडियोज हो चाहे वो फोटोज हो, तो डेफिनेटली सुपर क्वालिटी में जाने वाला है उनके पास। अब वो किसी भी तरीके का कंप्लेन नहीं करेंगे कि व्हाट्सएप पर क्वालिटी इशू आ जाता है फिर क्वालिटी डाउन हो जाता है। तो गाइस मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता दिया, डेफिनेटली आप डेली लाइफ में यूज करिए। अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए, अगर आपको इसी तरीके व्हाट्सएप हिडन फीचर्स चाहिए देखने हैं जानना है, तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑन पे सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।